नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। चलिए आज बात करते हैं सन 1978 में आई उस कल्ट क्लासिकल फिल्म की, जिसने अपनी शानदार कहानी, जानदार अभिनय और एक से बढ़कर एक कर्णप्रिय गीतों से भारतीय फिल्मों में अपनी खास जगह बनाई है। जी हाँ, यह फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ी हुई बहुत सारे अननोन फैक्ट्स की, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का निर्माण एवं निर्देशन किया था राज कपूर ने और फिल्म की शानदार कहानी लिखी थी जैनेन्द्र जैन ने। 2 घंटे एवं 52 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 मार्च 1978 को। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरे, ए.के. हंगल, हरी शिवदासानी, डेविड, लीला चिटनिस, टुनटुन, कन्हैयालाल इत्यादि। गानों की सभी वर्जन मिलाकर कुल 11 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिन्हें संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इन गानों को लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा, विठल भाई पटेल तथा आनंद बख्शी जैसे मंजे हुए गीतकारों ने। फिल्म की इन 11 खूबसूरत गानों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा था मुकेश, मन्ना डे, भूपिंदर सिंह, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने। फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक थे। ये गाने थे भोर भये पनघट पे, वो औरत है तू महबूबा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, रंग महल के 10 दरवाजे और फिल्म का टाइटल ट्रैक सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 12 अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम सन 1978 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें पायदान पर थी। इस फिल्म के बजट की कोई खास जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके कमाई की बात की जाए तो इसने भारत में कमाए थे 2,25,00,000 रुपए और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था लगभग 4.5 करोड़ रुपए। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर थी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, दूसरे स्थान पर थी फिल्म त्रिशूल तथा तीसरे स्थान पर थी फिल्म डॉन। फिल्म डॉन के अननोन फैक्ट्स के वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के नायक और नायिका की भूमिका के लिए राज कपूर साहब की पहली पसंद थे फिल्म स्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया, परंतु किसी कारणवश इस फिल्म का हिस्सा ये नहीं बन पाए। हालांकि राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म से उनको राज साहब के बेटे ऋषि कपूर ने ही बाहर करवाया था, क्योंकि उन दिनों राजेश खन्ना और ऋषि कपूर के बीच डिंपल कपाड़िया को लेकर खूब मनमुटाव चल रहा था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में जीनत अमान के द्वारा निभाई गई भूमिका क्रमशः लता मंगेशकर, विद्या सिन्हा, हेमा मालिनी, डिंपल कपाड़िया और अंतर्राष्ट्रीय गायिका आशा पुथली को भी ऑफर की गई थी, परंतु इस रोल में अत्यधिक बोल्डनेस और अंग प्रदर्शन को देखते हुए इन सब ने फिल्म को मना कर दिया था। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आपको यह लगा होगा कि यह फिल्म सबसे पहले लता मंगेशकर को ऑफर की गई थी। जी हाँ, यह बात 100% सही है। इस बात की पुष्टि खुद राज कपूर साहब की बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में किया है। फैक्ट नंबर 4, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री जीनत अमान अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस के लिए ही जानी जाती थी और राज कपूर साहब के कल्पना के अनुसार इस फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट थी। इस फिल्म से जीनत अमान के जुड़ने के पीछे की कहानी भी अत्यंत ही रोमांचक है। दरअसल जब जीनत अमान ने यह सुना कि राज साहब अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए एक हीरोइन ढूंढ रहे हैं जो कि एक गांव की सीधी सादी लड़की की भूमिका है, यह सुनकर उन्होंने झट से अपना गेटअप गांव की एक सीधी सादी लड़की का बनाया और राज साहब से मिलने चली गई। जीनत अमान का यह अंदाज राज साहब को इतना पसंद आया कि उन्होंने झट से जीनत अमान को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के शूटिंग के दौरान शशि कपूर अन्य कई फिल्मों में भी व्यस्त थे, जिसके कारण राज साहब को इनके डेट्स नहीं मिल पा रहे थे। इस बात से नाराज होकर राज साहब ने शशि कपूर को एक टैक्सी तक कह डाला। हालांकि शशि कपूर ने अपने बड़े भाई के द्वारा कही गई यह बात का कोई भी बुरा नहीं माना। यहाँ आपको बताता चलो कि सत्यम शिवम सुंदरम समेत शशि कपूर की इस साल लगभग 12 फिल्में रिलीज हुई थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 1-2 सालों में ये कितने व्यस्त रहे होंगे।
फैक्ट नंबर 6, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के बचपन का रोल किया था मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान इनकी उम्र थी लगभग 12 वर्ष। फिल्म में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका राज साहब को इतनी पसंद आई कि ठीक 4 सालों बाद सन 1982 की फिल्म प्रेम रोग से इनको बतौर मुख्य अभिनेत्री लॉन्च किया। फैक्ट नंबर 7, फिल्म का प्रसिद्ध गीत यशोमती मैया से बोले नंदलाला को दो अलग अलग वर्जन में लता मंगेशकर और मन्ना डे ने गाया था। हालांकि मन्ना डे वाले वर्जन में थोड़ा सा भाग लता मंगेशकर ने भी गाया था। यह गीत सन 1948 की फिल्म गोपीनाथ के गीत आई गोरी राधिका से हूबहू मिलती है। ठीक इसके उलट फिल्म के गीत सुनी जो उनकी आने की आहट की धुन भी काफी हद तक सन 1981 में आई फिल्म उमराव जान के एक गीत में कॉपी किया गया है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मशहूर फिल्म स्टार कुमार गौरव ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसी फिल्म के दौरान कुमार गौरव और राज साहब की छोटी बेटी रीमा कपूर एक दूसरे से नजदीक आए थे और बाद में इनकी सगाई भी हो गई थी। परंतु सन 1981 में आई कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी के शूटिंग के दौरान विजेता पंडित से नजदीकियों के चलते इनकी सगाई टूट गई थी। हालांकि विजेता पंडित के साथ भी कुमार गौरव की शादी नहीं हो पाई थी। कुमार गौरव के जीवन पर बनी बायोग्राफिकल वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 9, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की अधिकतर शूटिंग महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी में स्थित राज कपूर साहब के फार्म हाउस में किया गया था। ठीक 15 सालों बाद राज साहब के छोटे बेटे राजीव कपूर की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म प्रेम ग्रंथ की शूटिंग भी यहीं पे की गई थी। फिल्म प्रेम ग्रंथ की मुख्य भूमिकाओं में थे ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के संगीत के लिए सबसे पहले शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जयपुरी से संपर्क किया गया था, परंतु उन दिनों राज साहब के साथ इनके रिश्तों में धीरे धीरे खटास आने लगी थी। अंततः राज साहब ने शंकर जयकिशन के जगह पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और हसरत जयपुरी के जगह पर पंडित नरेंद्र शर्मा, विठल भाई पटेल और आनंद बख्शी को मौका दिया। यहां आपको बताता चलूं कि इस फिल्म से पहले राज कपूर साहब के अधिकतर फिल्मों में शंकर जयकिशन ही संगीत दिया करते थे। फैक्ट नंबर 11, शुरू में इस फिल्म में मुकेश साहब का गाया हुआ कोई भी गीत नहीं रखा जा रहा था। जब यह बात मुकेश साहब को पता चली तो वो राज साहब से नाराज होकर बोले कि राजजी, आप तो मेरे और लता के गाए गानों के बिना कोई भी फिल्म नहीं बनाते थे। इस बार आपके फिल्म में लता तो हैं, पर आपने मुझसे कोई भी गाना नहीं गवाया। तब राज साहब ने इनसे एक गाना गवाया चंचल शीतल निर्मल, और इस गाने को फिल्म में फिट करने के लिए एक ड्रीम सीक्वेंस बनाया। इस गाने के अलावा एक अन्य गाना वो औरत है तुम महबूबा भी मुकेश साहब से रिकॉर्ड करवाया जाना था, परंतु इन्हीं दिनों यूएसए के एक म्यूजिकल टूर में गए मुकेश जी का आकस्मिक निधन हो गया। बाद में इस गाने को गाया मुकेश साहब के बेटे नितिन मुकेश ने। फैक्ट नंबर 12, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सिनेमेटोग्राफर राधु कर्माकर को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। हालांकि इस फिल्म के लिए राज कपूर साहब को बेस्ट डायरेक्टर, जीनत अमान को बेस्ट एक्ट्रेस, पंडित नरेंद्र शर्मा को बेस्ट लिरिसिस्ट तथा मुकेश साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, परंतु दुर्भाग्य से उन्हें ये अवार्ड्स नहीं मिल पाए। हालांकि राज कपूर साहब और मुकेश साहब किसी भी अवार्ड के लिए मोहताज नहीं है। उनका नाम किसी अवार्ड के साथ जुड़ना भी खुद अवार्ड के लिए एक सम्मान की बात है। तो ये थी सन 1978 में आई कल्ट क्लासिकल फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ी हुई हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।